सो दोस्तों, आज हमारे पास आ गया है आईफोन 11 प्रो। जी हाँ, वही वाला स्मार्टफोन जो 2019 में लॉन्च हुआ था। तो 2023 में मेरे पास ये क्या कर रहा है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो मैंने इस 2019 में लॉन्च हुए स्मार्टफोन को यूज़ करने की कोशिश करी 2023 में, क्योंकि आपको पता है कि आईफोन्स की मार्केट कितनी बड़ी है। रिफर्बिश स्मार्टफोन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आईफोन में, और अगर आप भी 2023 में इसको लेने की सोच रहे हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मैं इसको पिछले 10-15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और आपको बता सकता हूँ कि 2023 में आपको ये वाला डिवाइस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हर एक चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये वाला डिवाइस आपको कहीं भी 40,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। सो अच्छी कंडीशन में आपको 40,000 रुपये में आईफोन 11 प्रो मिल जाएगा मार्केट में। सो क्या आपको 40,000 रुपये खर्च करके 2023 में आईफोन 11 प्रो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाला स्मार्टफोन हमने कैशिफाई से ख़रीदा था, और अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है कैसा आपको कैशिफाई से डिवाइस मिलता है, तो वो वाली वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो एक्चुअली वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। सो जैसे आपको पता है कि आईफोन्स बिल्ड क्वालिटी के नाम से जाने जाते हैं, पीछे की तरफ आपको मैट फिनिश में ग्लास मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश देता है। इन हैंड फील की बात करें तो काफ़ी मस्त ये वाला डिवाइस आपको लगने वाला है। स्लिपरी ज़्यादा नहीं है क्योंकि पीछे की तरफ मैट फिनिश है, तो आपके हाथ से ज़्यादा स्लिप नहीं होने वाला है। बात करें फ्रेम की, तो यहाँ पे आपको स्टील फ्रेम मिल जाता है। जी हाँ, आपको स्टील फ्रेम मिलने वाला है। आप देख सकते हैं दूसरे स्मार्टफोन में आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टील का फ्रेम मिलने वाला है, जिससे इसकी प्रीमियमनेस और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। सो लुक वाइज आप देखें तो आपको बहुत ही अच्छा ये लुक देने वाला है। पीछे से एकदम मस्त लगता है क्योंकि आपको 3 कैमरे दिए हुए हैं। सो आपको कहीं से भी ये वाला डिवाइस आउटडेटेड नहीं लगने वाला है। सो अगर लुक एंड फील की बात करें तो आपको 2023 में भी 2019 में लॉन्च हुआ आईफोन 11 प्रो कहीं से भी निराश नहीं करेगा। ये तो लुक की बात होगी, लेकिन यार लुक के बेसिस पे तो हम स्मार्टफोन नहीं ले सकते ना। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका साइज है 5.8 इंच। यहाँ पे आपको XDR OLED डिस्प्ले मिल जाती है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलने वाला है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 83% के आसपास इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मिल जाता है। बात करें प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास दिया है सामने की तरफ, तो आपके फोन पे इतनी आसानी से स्क्रैच भी नहीं आने वाले। और 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो की यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको 450 PPI की पिक्सल डेंसिटी भी दी हुई है। डिस्प्ले आउटपुट की बात करें तो आप देख सकते हैं 4K HDR कंटेंट आप YouTube पे प्ले कर सकते हैं। और विजिबिलिटी की बात करें, आउटडोर में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। वहीं अगर क्लैरिटी की बात करें, कलर्स की बात करें, तो आपको वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आपको इस वाले डिवाइस में मिल जाती है 40,000 रुपये में। इससे अच्छी डिस्प्ले आपको किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाली है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। सो अगर आप एक डिस्प्ले के लिए डिवाइस देख रहे हैं तो आपको ये वाला डिवाइस कभी भी निराश नहीं करने वाला। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले के साथ साथ डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ स्पीकर दिया है और ईयर पीस भी स्पीकर की तरह ही काम करता है। सो अगर आप कंटेंट कंज्यूम इससे कर रहे हैं तो आपको एकदम मस्त इमर्सिव एक्सपीरियंस ये वाला डिवाइस निकाल के देने वाला है। सो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है इस वाले डिवाइस पे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन है, सो आपको इसको हैंडल करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको एप्पल का खुद का A13 बायोनिक प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका अंतुतु स्कोर की बात करें तो 5.5 लाख निकल के आता है। सो वहां पे भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप एक हैवी यूजर है तो आप इस वाले डिवाइस को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एप्स का ऑप्टिमाइजेशन एप्पल के साथ कितना मस्त होता है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतुतु स्कोर हालांकि 5.5 लाख कम है 40,000 रुपए देखते हुए, लेकिन फिर भी अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें हम, तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डे टू डे यूजेस में कहीं पे भी ये वाला डिवाइस लैग नहीं होने वाला है। और अगर आप कैजुअल गेमिंग भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक हार्ड कोर गेमर है तो यहां पर आपको डेफिनेटली इस वाले डिवाइस से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। 4GB की रैम दी हुई है, बेस वेरियंट आता है 64GB के साथ, और इसमें आपको कोई भी एक्सपेंडेबल स्लॉट नहीं मिलता है। सो एडवाइस यही होगी कि अगर आप ये वाला डिवाइस ले रहे हैं तो आप 64GB के साथ बिल्कुल मत जाइए, बहुत ही जल्दी वो वाली स्टोरेज आपकी फुल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐप का भी साइज बहुत बड़ा होता है, और अगर आप फोटोज वगैरह ले रहे हैं तो उससे बहुत जल्दी आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो कम से कम आप 128GB वाला वेरिएंट लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कैमरा की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। तीनों ही कैमरा आपको 12-12 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया हुआ है, 12 मेगापिक्सल का इसमें आपको अल्ट्रावाइड लेंस मिल जाता है, और 12
मेगापिक्सल का इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा। कैमरे क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं फिनोमिनल कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, कहीं पे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। फोटोज की बात करें तो बहुत ही अच्छे फोटोज आप इससे क्लिक कर सकते हैं, डे लाइट में एकदम मस्त वाले फोटो आप इससे क्लिक कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस में भी काफी अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाती है, डिटेल्स मिल जाती है। वहीं अगर 2x लेंस की बात करें तो वहां पे भी आपको कोई भी परेशानी ये वाला डिवाइस निकाल के नहीं देगा। सो अगर आप कैमरे के लिए कोई डिवाइस देख रहे हैं तो 40,000 रुपए में आप इस वाले डिवाइस को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। मुझे यहां पे कोई भी परेशानी नहीं हुई, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये वाला डिवाइस 2019 में लॉन्च होता, क्योंकि कैमरा परफॉर्मेंस यहां पे आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है, टॉप नॉच मिल जाती है। सो मुझे कैमरा के मामले में कोई परेशानी इस वाले डिवाइस से नहीं हुई। बात कर लेते वीडियोज की, तो आपको पता होगा कि आईफोन्स में आपको वन ऑफ दी बेस्ट वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। अगर आप वीडियो के लिए कोई भी डिवाइस देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली आईफोन्स ले सकते हैं। ये वाली वीडियो भी आईफोन से ही शूट हो रही है, और मैक्सिमम हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस होती है सारी आईफोन से ही शूट होती है। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं क्वालिटी का कि आपको किस टाइप की क्वालिटी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। क्वालिटी आप देख सकते हैं आपके सामने, एकदम मस्त क्वालिटी मिल जाती है, कोई भी परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आप स्लोमो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त स्लोमो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और आप 2x कैमरा में भी स्लोमो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो में आपको डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और 2x में स्लोमो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। सो वीडियो क्वालिटी के मामले में आपको ये वाला डिवाइस कहीं भी निराश नहीं करेगा। बात कर लेते सेल्फी कैमरा की, तो फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, जिससे आप मस्त मस्त सेल्फीज ले सकते हैं, एकदम मस्त डिटेल्स निकल के आती है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में भी आपको 4K का सपोर्ट मिल जाएगा सेल्फी कैमरा पे, तो यहाँ पे भी आप 4K में शूट कर सकते हो। और प्राइमरी कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट दिया है टेलीफोटो में भी, और आपको प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का जो है उसमें भी आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपकी वीडियोस काफी स्टेबल आती है। इसलिए बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 3046 mAh की बैटरी मिलती है। आजकल आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन सिर्फ आपको 3046 mAh की यहाँ पे बैटरी मिलने वाली है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इसको आप 20 वोल्ट के वायर्ड चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, नॉर्मल से चार्जिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, सो ये प्लस पॉइंट बन जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ और फीचर्स भी मिल जाएंगे जो आपको अदर डिवाइसेस में नहीं मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग मिल जाती है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। इसमें आपको फेस आईडी दी हुई है, सो फिंगरप्रिंट की टेंशन बिल्कुल नहीं है, अंधेरे में भी आप इसको बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। सो गाइस चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि 40,000 रुपए खर्च करके क्या अभी भी 2023 में आपको iPhone 11 Pro लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो मेरी एक वर्ड में आंसर है, आप ले सकते हैं। अगर आपको 5G अपने डिवाइस में नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला डिवाइस 5G नहीं है। सो अगर आपको 5G से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आप ले लीजिए, और अगर आपको पड़ता है तो आप इस वाले डिवाइस को स्किप कर दीजिए। आप मिनिमम iPhone 12 लीजिए, वहां पे आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, और जो फीचर्स इसमें हैं वो सारे फीचर्स आपको iPhone 12 में भी मिल जाएंगे, और आपको अपग्रेडेड वर्जन ही मिल जाएगा। सो अगर आपको 5G नहीं चाहिए तो iPhone 11 Pro ले लीजिए, 5G चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको डिवाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ओके बाय एंड बी सेफ।